जय हिंद साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग ICG पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एंटोनिम एंड सिनोनिम का एक चैप्टर। तो एंटोनिम एंड सिनोनिम से आपको मिनिमम 2 से लेकर 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो पहले हम जान लेते हैं एंटोनिम क्या होता है, सिनोनिम क्या होता है। क्योंकि हम जब स्कूल लेवल में थे तो हम एंटोनिम सिनोनिम के बजाय हम पढ़ा था अपोजिट वर्ड एंड सेम वर्ड। तो आपका जो एंटोनिम है, एंटोनिम क्या है ना, एंटोनिम आपका अपोजिट वर्ड है। एंड सिनोनिम क्या होता है ना, सिनोनिम आपका सेम वर्ड है। मतलब एक जो वर्ड है उसका सिमिलर मीनिंग वाले अलग अलग वर्ड को हम उसका सिनोनिम बोलते हैं। अपोजिट क्या है ना, एक वर्ड का विपरीत शब्द जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, उसको हम विपरीत शब्द बोलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कुछ एंटोनिम एंड सिनोनिम के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसका सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है सारे में कवरअप नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए उसका PDF मैं मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन दे दूंगा। तो अभी तक आप टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं है तो प्लीज़ जाकर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है एस्टोनिश। तो पहले जान लेते हैं एस्टोनिश का मतलब क्या होता है। तो एस्टोनिश का मतलब होता है चकित करना। तो उनका एंटोनिम पूछा है, मतलब क्या है ना, उनका अपोजिट वर्ड क्या होगा वही पूछा है। तो उसका अपोजिट क्या होगा ना, काम होगा, जिसका मतलब क्या है ना, शांत करना। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो क्वेश्चन पूछा है ओब्लिगेशन। तो पहले जान लेते हैं ओब्लिगेशन का मतलब क्या होता है। द स्टेट ऑफ हैविंग टू डू समथिंग बिकॉज इट इज योर ड्यूटी बिकॉज यू हैव प्रॉमिस्ड। तो उसका मतलब क्या है ना, कानूनी बाध्यता या वचनबद्धता। तो यहाँ पर आपको सिनोनिम पूछा है। तो सिनोनिम का मतलब होता है क्या, सेम वर्ड, समान अर्थबोध का शब्द। तो उसका सिनोनिम होगा कमिटमेंट, जिसका मतलब क्या है ना, वचनबद्धता। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सोलस। तो उसका एंटोनिम पूछा है। तो एंटोनिम क्या है ना, अपोजिट है। तो सोलस का मतलब क्या है, सोलस का मतलब है शांत करना। तो उसका अपोजिट क्या होगा ना, अशांत करना, मतलब परेशान करना। तो उसका पहला ऑप्शन है पिट्टी। पिट्टी का मतलब क्या है ना, दया या रहम। वो एक सिमिलर वर्ड हो जाता है सोलस के साथ। नेक्स्ट है क्या, रिलीफ। रिलीफ भी सोलस के साथ सिमिलर है, ऐसे दया करना या राहत करना। नेक्स्ट क्या है, चीर। तो वो एक प्रसन्नता है, तो वो सेम सिमिलर होता है सोलस के साथ। लेकिन उसका अपोजिट क्या होगा ना, अपोजिट होगा डिसहारमोनी। तो उसका मतलब क्या है, मतलब परेशान करना व असामंजस्य। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो यहाँ पर सिनोनिम पूछा है पायोनियर का। तो पायोनियर का मतलब क्या होता है ना, प्राथमिक या प्रमुख जिसको बोलते हैं। तो लास्ट तो नहीं होगा उसका सिनोनिम, मॉडर्न भी नहीं होगा, प्राइमरी भी, सॉरी फॉलोइंग भी नहीं होगा, लेकिन प्राइमरी होगा, क्योंकि प्राइमरी का मतलब भी होता है प्राथमिक। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो यहाँ पर ओयार्ड का एंटोनिम पूछा है। तो ओयार्ड का एंटोनिम क्या है ना, ओयार्ड का एंटोनिम, तो ओयार्ड, पहले ओयार्ड का मतलब क्या है। तो ओयार्ड का मतलब है असामान्य। तो उसका एंटोनिम मतलब अपोजिट क्या होगा ना, यूजुअल, जिसका मतलब है सामान्य। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो स्क्रोन का सिनोनिम क्या है पूछा है। तो स्क्रोन का मतलब है उपहास करना या हंसी उड़ाना। तो उसका सिमिलर क्या होगा ना, मोकरी। तो मोकरी का मतलब ही वही, हंसी उड़ाना या मजाक करना व उपहास करना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो यार आज मैं आपको एक बेस्ट ऐप के बारे में बताता हूँ। तो यह है परीक्षा ऐप। आप अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाकर आप सब्सक्रिप्शन ले जाइए। तो मैं क्यों उसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोलता हूँ, तो मेरा एक दोस्त के साथ बातचीत हुआ था जिसने अभी एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने परीक्षा ऐप के ही सब्सक्रिप्शन लिया था और उसी की वजह से मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो पाया और मेरा नाम मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। क्यों उसका नाम मेरिट लिस्ट में आया, क्योंकि उन्होंने परीक्षा में
हर दिन एक एक टेस्ट सीरीज लगाता था। तो टेस्ट सीरीज लगाने का उसका क्या फ़ायदा होगा ना, उनका टाइम मैनेजमेंट होगा, उसके साथ साथ इसका एग्जाम में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो गया था। तो इसीलिए ऑनलाइन मोड में जो इस बार एग्जाम हुआ था इसका उनका सिलेक्शन हो गया है। तो ये जो परीक्षा अब है 3 मंथ के लिए 299 रुपीज़ में देता है सब्सक्रिप्शन, लेकिन हमारे जो कोड है ICG50, आप उस कोड को यूज करोगे तो आपको फ्लैट 50% का ऑफ मिलेगा, ओनली आपको 149 रुपीज़ में ही मिल जाएगा। तो चलिए, तो आपका मर्जी, आप लेना है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप डायरेक्ट जाकर इस कोड को अप्लाई करके ले सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला क्वेश्चन है थ्राइव। तो थ्राइव का मतलब क्या है ना, फलना फूलना, मतलब आगे बढ़ना या फलना उठना, उसे का मतलब थ्राइव का मतलब होता है। तो उनका ऑपोजिट पूछा है, एंटोनिम पूछा है। तो एंटोनिम क्या है ना, फेल उसका एंटोनिम होगा, क्योंकि फेल का मतलब कमी व असफल होना या पतन होना। तो चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिल रहा था, तो मुझको भी खुद को भी SSC एग्जाम में देखने को मिला था। तो क्वेश्चन क्या है ना, इम्पेटस। तो इम्पेटस का एंटोनिम पूछा है, मतलब ऑपोजिट पूछा है। तो इम्पेटस का मतलब क्या होता है ना, इम्पेटस का मतलब है दोष लगाना या लक्षण लगाना। तो उसका अपोजिट क्या होगा ना, उसका अपोजिट होगा डिफेंड, जिसका मतलब क्या है ना, समर्थन करना या साथ देना। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आप नोट में इस क्वेश्चन को नोट कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो एक क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले मैं आज आपको ट्रिक ऑफ द डे एक बताता हूँ। तो ट्रिक ऑफ द डे क्या है ना, वर्ब में लास्ट में एस या ES होगा तो ए ऑलवेज सिंगुलर होगा वर्ब में, और SES नहीं होगा तो ए प्लूरल वर्ब होगा। तो एग्जाम्पल क्या है ना, ईच, लास्ट में क्या है एस है तो एक सिंगुलर है, वाज, तो लास्ट में क्या है एस है तो एक सिंगुलर है। तो वर्ब में लास्ट में एस आएगा तो एक सिंगुलर है, ऐसे ट्रिक इस ट्रिक को याद कर दीजिए और सारी एग्जाम में आपको काम में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगले सवाल क्या है, कुइवर। तो कुइवर का अर्थ क्या है, कांपना बा थरथर होना। तो कांपना थरथर होना, तो उसका सिमिलर क्या होगा, तो उसका सिमिलर होगा शेक। शेक का मतलब है विचलित करना या हिलाना। तो चलिए पढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन पर। और अभी तक मुझको टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ट्रेंडिंग ICG ऑफिशियल टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो हमारा जो पेज खुल जाएगा, और आप प्लीज़ उसमें फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं मैथ का एक शॉर्ट ट्रिक अपलोड करता हूँ हर दिन। तो चलिए बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन के ओर। इभोक। तो इभोक का मतलब क्या है ना, आह्वान करना। तो उसका अपोजिट क्या होगा ना, स्टॉप, मतलब रुकना। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। तो ए थे आज का कुछ क्वेश्चन। फिर मिलते इंग्लिश का एक शानदार क्लास जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो मैं जो ट्रिक आपको बताया, इस ट्रिक में आप अप्लाई करोगे तो आपका एग्जाम में 2 मार्क कंफर्म आएगा एक्टिव एंड पैसिव से। तो उसके बाद मैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी पढ़ाऊंगी, उसके बाद प्रीपोजिशन का कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो ये थे आज का कुछ क्वेश्चन। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।